स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट दिया है, टेक ऑल दीज रजिस्टर्स टू द स्टाफ रूम कोमा इन्वर्टेड कोमा सैड मिस्टर बोस टू अ पियॉन. ओके, तो जब हम इसको डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इट विल बिकम, ये हो जाएगा, मिस्टर बोस ऑर्डर्ड टू अ पियॉन, मिस्टर बोस ऑर्डर्ड टू अ पियॉन टू टेक ऑल दैट रजिस्टर्स टू द स्टाफ रूम. To take all that registers to the staff room. Okay? Second, क्योंकि इसमें हमारा क्या है सेंटेंस में, इसमें क्या है, बॉस ने पियोन को क्या किया है, ऑर्डर किया है, तो हमने क्या यूज करना है यहाँ पे, ऑर्डर को यूज करना है. सेकेंड है, प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम सेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये, सैड मिस्टर सिंग्स टू द स्टूडेंट्स. प्लीज टू लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम सेइंग सैड मिस्टर सिंग्स टू द स्टूडेंट. जब हम इसको चेंज करेंगे तो इट विल बिकम मिस्टर सिंह रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली टू व्हाट ही वॉज सेइंग. मिस्टर सिंह रिक्वेस्टेड, अब इसमें यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, रिक्वेस्टेड यूज करना है. उसने कहा है कि प्लीज़, क्योंकि उसने प्लीज़ वर्ड को ऐड किया है, तो प्लीज़ वाला हमें जब प्लीज़ सेंटेंस में आ जाता है तो वी विल यूज़ रिक्वेस्टेड. मिस्टर सिंह रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली टू व्हाट ही वॉज सेइंग. नेक्स्ट, स्मिता सैड पापा गिव मी अ लिटिल मनी टू थिंक बिफोर आई गिव यू माई डिसीजन. तो इट विल चेंज इट, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा, स्मिता अर्ज्ड पापा टू गिव हर अ लिटिल टाइम टू थिंक, टू गिव हर ए लिटिल टाइम टू थिंक बिफोर सी गिव हिम हर डिसीजन. Before she gave him her decision. जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे ये दिए हैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये हमारे किस क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट यह है, राघव सैड टू हिज सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी ट्राई अगेन आई मे येट शो ए बेटर रिजल्ट. लेट मी ट्राई अगेन आई मे येट शो ए बेटर रिजल्ट. तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इट विल बिकम राघव ने परमिशन ली है, तो परमिशन के लिए क्या हो जाएगी, राघव रिक्वेस्टेड टू हिज फादर टू लेट हिम ट्राई अगेन एंड ही माइट टिल देन शो अ बेटर रिजल्ट. जब उसने उससे क्या ली है, परमिशन ली है, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट का यूज़ किया है और इसको फिर कंटिन्यू करके लिखा है हमने, टू लेट हिम ट्राई अगेन एंड ही माइट टिल देन शो अ बेटर रिजल्ट. नेक्स्ट दिया है, डोंट वरी डियर चाइल्ड फोर आई एम हियर टू हेल्प यू सैड अंजूज मदर्स टू हर. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इट विल बिकम अंजूज मदर रिमाइंडेड टू हर चाइल्ड नोट टू वरी फोर शी वॉज देयर टू हेल्प हर. Not to worry, for she was there to help her. Next दिया है, the saint patted him on the back and angrily said, don't talk ill of others at their back. It is not a good habit. Okay? तो जब हम इसको change करेंगे ये बन जाएगा, द सेंट पैटेड हिम ऑन द बैक एंड जेंटली फोरबेड. द सेंट पैटेड हिम ऑन द बैक एंड जेंटली फोरबेड, और फोरबेड का मतलब होता है मना करना. तो यहाँ पे हम नोट को यूज नहीं करेंगे, ओनली हो जाएगा जेंटली फोरबेड टू टॉक इल ऑफ अदर्स एट देयर बैक बिकॉज इट वॉज नॉट ए गुड हैबिट.
फोरबेड माने भी मना करना होता है, तो उसका डायरेक्ट में बोल रहा है वो कि मतलब आपको मना किया गया है किसी के सामने किसी की दूसरे की बुराई नहीं करते, बिकॉज इट वॉज नॉट ए गुड हैबिट, क्योंकि ये अच्छी आदत नहीं है। फिर आपका सेंटेंस बच जाता है 7 और 8, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, आपको अपने घर से करना है, टुमारो आई विल मैच इट टू यू, ओके ये फिर मैं आपको मैच करा दूँगी, ओके ये आपकी एक्सरसाइज 5 जो है ये भी मेरे को करानी है बेटे। तो पहले आई विल शो यू, आई विल टीच यू द ओनली रूल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को ओनली आपको मैं रूल्स को समझा देती हूँ, एंड टुमारो आई विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज 5 आप वाली जो है मुझे आपको कंप्लीट करानी है, बट डू विल इट विल डू टुमारो, तो टुडे आई विल टीच यू ओनली द रूल्स। देखो क्या दिया है इसमें, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट में कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव एक्सप्लेन द रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव एंड अदर डिनोटिंग नियरेस्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड दीज रूल्स रिमेन द सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बट रिपोर्टिंग वर्ब एंड कंजक्शंस डिपेंड अपॉन वेदर वी आर रिपोर्टिंग ए स्टेटमेंट ए क्वेश्चन और ए कमांड एंड दीज पॉइंट्स आर डिस्कस्ड बिलो, ओके जो हमने आपको रूल्स बताए हैं चेंज करने हैं हमें प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन को नियरर टाइम को इनको हम जो चेंज करना है वो हमारे रूल जो है वो सेम रहेंगे पूरी रिपोर्टेड स्पीच में, सभी तरह की जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उन सब में यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि द रिपोर्टेड वर्ब से सैड मे बी रिटेन्ड एज से सैड और चेंज्ड टू टेल को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, से को हम सैड में चेंज कर देते हैं एंड सम अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज एज रिपोर्टिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ से, और कभी कभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में से के प्लेस में हम आप ऐड को भी लिख सकते हैं, एडमिट भी लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, आर्ग्यू अश्योर कंप्लेन डिनाई एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट प्रोमिस रिमार्क रिमाइंड रिप्ले रिप्लाई, तो इन वर्ड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं अपने रिपोर्टेड वर्ब में। जैसे हम से को सैड में बदल देते हैं और टेल को टोल्ड में, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स भी ऐसे भी हैं जिनको हम से को ऐड में भी बदल सकते हैं, और एडमिट आंसर आर्ग्यू अश्योर इन सब वर्ड्स को भी हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ओके देखो इसमें दिया हुआ है पहला सारी का सैड आई वांट टू बाय अ लैपटॉप बट आई कांट अफोर्ड इट, सारिका सैड आई वॉन्ट टू बाई ए लैपटॉप बट आई कॉन्ट अफोर्ड इट, तो इट विल हो जाएगा सारिका सैड दैट शी वॉन्टेड टू बाई ए लैपटॉप बट शी कुड नॉट अफोर्ड इट, सारिका सैड दैट शी वॉन्टेड टू बाई ए लैपटॉप बट शी कुड नॉट अफोर्ड इट, भाई हमने सिंपल में आपको बताया है सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है सिंपल प्रेजेंट, और जो आपका कैन कुड कैन है वो कुड में चेंज हो जाता है। सेकेंड मोनिका सेड टू मी यू कैन स्टे विद अस वैन एवर यू आर इन दिल्ली, तो इट विल चेंज हो जाएगा मोनिका टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे विद दैम वैन एवर आई वॉज इन दिल्ली। नेक्स्ट रितु सेड टू मयूर लॉट्स ऑफ पीपल विल बी विलिंग टू हेल्प यू, तो ये चेंज हो जाएगा रितु अश्योर्ड मयूर दैट लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी विलिंग टू हेल्प हिम, तो इस तरह से हमें क्या करना है इनको चेंज करना है। तो एक्सरसाइज 5 आई विल डू टुमारो, तो टिल देन यू हैव टू राइट योर वर्क्स इन योर कॉपी एंड डू योर वर्क विच वर इज पेंडिंग यू हैव, ओके माय डियर सो डू योर वर्क एंड गुड बाय हैव ए नाइस डे।